अगर प्रोकास्टिनेशन की भावना को किसी बॉलीवुड सॉन्ग से समझना हो तो दिस सॉन्ग इज़ बेस्ट, क्योंकि आने वाला पल तो आके चला भी गया और हम सोचते रह गए कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। हाँ जी, हेलो, हाय, वेलकम। सो किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो उसका कंटेक्स्ट। तो ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। सो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था मिड ऑफ जुलाई को, पर एक महीना भी नहीं बीता था कि हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई। मैंने कहा ठीक है, कुछ बंदोबस्त इसका भी कर लेंगे। पर मैंने ये 3 महीने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, सब कुछ। So, ये देखो। देखी ना भूत भविष्य, आज ही अल्प विस्तर হয়নি প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ভাসছে মৃত ঈশ্বর, ভেবেছি তোমাকে বিশ্ব, এসেছি ফিরে হয়ে নিঃস্ব, কেটেছে আধারে দিনক্ষণ, বেঁচেছি বাজারে বৃত্ত, তা শুরু বা শেষ কে জানে কোথায়, বাজার আশা গোলক ধাঁধা বোধায়, সকলে ছোটকে সুখটা পায়, চেনা আদৌ ঠিকই পথ নাই। ঘুম চোখে আমি নিরুপায়, পারিনি পুরোটা বলতে, হাতে বেঁধে রাখা গান সুর আর গ্লাসে মেশাই কটা সন্ধে, এ জীবন অর্থহীন, অর্থ খুঁজতে অর্থ জোরে, শর্ত বুঝে গর্ত খোড়ে, সে গর্তে ভিড়, এখন বেঘরে এগোতে ভয় পাই, তাও জেনে শুনে আবার চোট খাই, দুটো আঙুলের ফাঁকে পড়ে চাই, হয়তো ডুবে যাবো আরো জল চাই, তোর সাথে বাইরে গেলে ঘর পাই, সব ভুল ত্রুটিগুলো ভর পাই, জানি প্রশ্ন করবি কে দায়ী, দোষী কেউ নয়। দোস্ত, ক্লাস মোবাইল চালানো থেকে লেকে পাহাড় ঘুমনে তক হমনে সব কুছ কিয়া, আর ইতনা তো পতা চলি গিয়া থা কলেজ মে রেকে কি ইয়াহ টেনশন লেনে সে কুছ নি হোনে ওয়ালা হ্যায়, আর উপর সে হম কর রহে থে ল, और इतना यकीन खुद पे आ गया था कि आखिरी में पढ़ के भी मार्क्स ले आएंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर ही लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा और पहले पढ़ लेते, थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाते, तो आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं किया? तो ये देखिए। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। हाँ यार, 17 से 30 तक थे हमारे एग्ज़ाम, सो किसी तरह एग्ज़ाम दिया और बस हो गए। और आखिरी मौके पे पढ़ के आप लोग ने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आप ही रिलेट कर पा रहे होंगे। सो यू रिमेंबर व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग? और इतना तो पता चल ही गया था कॉलेज में रह के कि यहाँ टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। सो एग्ज़ाम तो दे दिया, अब होने लगी रिजल्ट की टेंशन, पर इतना तो था जो होना है वो तो होके रहेगा। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो इंटर्नशिप है, उस पर ध्यान देना है, और जो हो गया वो तो हो गया। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ये थी मेरे एग्ज़ाम की कहानी। सो होपफुली यू लाइक इट, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो जो होने वाली एक इंटर्नशिप की वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड बाय बाय। সাথে আমার শেষ দেখা যেরম গঙ্গার ঘাটে বিজয়া।